हे दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक और शानदार वीडियो लेकर। आज की वीडियो ये बर्थडे स्पेशल है, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, इसीलिए ये प्लान आपको ऑफर में मिलेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में। और जो इसका लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, आज के प्लॉट साइज की बात कर लेते हैं। आज का प्लॉट साइज 20x20 फिट का है। और दोस्तों, हाउस की तीनों साइड अदर प्रॉपर्टीज रहेंगी, और जो इसकी बाकी की डिटेल्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर आ रही हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको आराम से देख सकते हैं। और दोस्तों, जो ये हाउस है ये एक बजट हाउस है, हमने इसमें ज़्यादा इंटीरियर में कुछ नहीं किया है, इसमें आपको सिर्फ वॉलपेपर और पेंट का इस्तेमाल ही दिखेगा। बाकी वीडियो ये बहुत ही बेहतरीन है, आप आराम से देखिए। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी हमारी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्किटेक्ट मनदीप चौधरी और आप देख रहे हैं हाउस डॉक्टर चैनल को। तो दोस्तों, आपको फ्रंट एलिवेशन इतना शानदार मिल जाता है कि आपका एलिवेशन कोई भी देख के ये नहीं कह सकता कि आपका प्लॉट ये फ्रंट से 20x20 फिट का है। और दोस्तों, आप सामने इसका फ्रंट गेट देख सकते हैं, आपको एक अच्छी ओपनिंग मिल जाती है और आपको एंटर करते ही सामने स्टेयर दिखाई देगी, और स्टेयर के नीचे आप अपना स्टोरेज एरिया बना सकते हैं और आप यहाँ पर अपनी एक बाइक आराम से पार्क आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे आगे बढ़ते हुए आप सामने देख सकते हैं कि आपको लिविंग एरिया मिल जाता है, हमने यहाँ पर सिटिंग का एक अरेंजमेंट भी किया है, सामने LED पैनल। अगर आप एक साइड में देखें तो आपको सामने किचन देखने को मिल जाती है, जो कि हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो दोस्तों, किचन में एंटर करते ही सामने आपको अच्छी टाइल्स के साथ अच्छा कैबिनेट डिज़ाइन भी देखने को मिल जाता है, और जो सीलिंग्स है ये हमने सिंपल रखी हैं, क्योंकि हाउस को हमें एक बजट के अंदर बनाना था। हाँ, तो दोस्तों, अगर आप सामने देखें तो हाउस के ग्राउंड फ्लोर पर आपको हाउस का पहला बेडरूम मिल जाता है, और जो इसका बैक वॉल है हमने यहाँ पर वॉलपेपर का इस्तेमाल किया है, जो कि हमने वीडियो में आपको पहले ही बताया था। और दोस्तों, जो ये बेडरूम है इसके साथ आप देख सकते हैं आपको अटैच टॉयलेट भी मिलेगा, और जो ये वाला टॉयलेट है आप इसका गेट बाहर लिविंग एरिया में भी निकाल सकते हैं, हमने नहीं निकाला है क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट में नहीं था। और दोस्तों, इस टॉयलेट की वेंटिलेशन आपको मैकेनिकली देखने को मिलेगी, आप ऊपर देख सकते हैं। तो इससे आगे बढ़ते हुए अभी हम चलते हैं हाउस के फर्स्ट फ्लोर एरिया की तरफ। आप स्टेयर एरिया देख सकते हैं, स्टेयर आपको यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबल देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसमें आपके जो इसके स्टेप हैं वो आपको मिनिमम 19 देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे ही हम ऊपर एंटर करते हैं आपको फ्रंट में ही एक बड़े अच्छे साइज की बालकनी देखने को मिल जाती है। ये बालकनी आपकी काफी स्पेशियस है, यहाँ पर आप अपना एक सिटिंग का अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। और दोस्तों, इससे आगे बढ़े तो आपको सेकंड बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पर मिलेगा, यहाँ पर आपको अच्छी एक वार्डरोब देखने को मिल जाती है, और वार्डरोब के अंदर ही आपको मिरर देखने को मिल जाता है, और सामने एक TV पैनल
और जो ये बेडरूम है इसके साथ आपको अटैच टॉयलेट भी देखने को मिलेगा और इसकी वेंटिलेशन भी आपको मैकेनिकली देखने को मिल जाती है। और जो ये वाला टॉयलेट है ये आपको हमारे हाउस के थर्ड बेडरूम के साथ भी अटैच देखने को मिल जाता है। तो इसके बाद बारी है अभी हमारे हाउस के थर्ड बेडरूम की। आप इसका ओवरऑल व्यू देख सकते हैं, आपको यहाँ पर भी एक अच्छा व्यू देखने को मिल जाता है और इसके साथ भी आपको एक अटैच टॉयलेट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए अभी हम चलते हैं हमारे हाउस के सेकंड फ्लोर यानी टेरेस एरिया की तरफ। स्टेयर देख सकते हैं आप, इसका ममटी का डिज़ाइन देख सकते हैं और आप जब स्टेयर से अप करते हैं आपको ऊपर भी अच्छा स्पेस मिल जाता है स्टोरेज के लिए। और दोस्तों जो टेरेस का एरिया है ये हमने आपको फुली ओपन दिया है, आप चाहें तो आप इसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों इसी के साथ अभी हम आपसे अलविदा लेते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हमारी वीडियो कोई भी आपसे मिस ना हो। नमस्कार।